वेलकम अगेन। एक और नई ट्रिक में आज सीखते हैं कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं वैदिक मैथ में। एक सिंपल आपने देखा होगा, सिंपल जब स्क्वायर रूट निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं तो आपने उसमें कुछ मेथड यूज किए होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया या फिर लॉन्ग डिविजन मेथड हो गया। लेकिन यहां हम इसको निकालेंगे वैदिक ट्रिक से, अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर रूट वैदिक ट्रिक से कैसे निकालते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो एक नंबर ले लेते हैं 676। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल देंगे, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा पेयर बनाना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट में हमारा पेयर बन गया लेकिन लेफ्ट में नहीं बना तो उसको सिंगल डिजिट छोड़ दीजिए। तो अब आप देखिए, मैंने यहां साइड में कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसमें क्या होता है, हमेशा स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो जो टेबल होता है वो स्क्वायर का ही टेबल होता है हमेशा। इसमें हमेशा अगर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से करते हैं, 3 3 9 होता है, कभी भी 3 4 जाए या 3 5 जाए नहीं होता। ऐसे 4 4 16, 5 5 25। तो ये जो 6 है वो कौन किसमें लाई करेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 इज लेस देन 9। तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। यानी इसमें जो टेबल चलेगा हमारा सबसे पहले वो चलेगा 2, और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगी, इसकी टेंस डिजिट पता लगी। अब हमें यूनिट डिजिट पता लगानी है 76 में कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी। अब सबसे लास्ट में क्या है डिजिट आया, इसका एंड हो रहा है 6 से। तो 6 में हमारे 2 स्क्वायर आते हैं, एक तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 और एक आ गया 6 36। तो या तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 24 होगा या 26 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर ये हो गया, ये 6 का स्क्वायर है, तो या तो 4 या फिर 6। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो 24 होगा या 26 होगा। अब इनके बीच में एक नंबर लाई करती है वो है 25, 24 और ये 26। 24 और 26 के बीच में एक नंबर आएगी 25, और 25 का जो स्क्वायर होता है, मैंने एक रूल बताया था इससे पहले की वीडियो में कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से करते हैं, 2 3 6। तो अगर 25 का स्क्वायर आता है हमारा ये 625, तो यहां आप 625 लिख लीजिए। तो अब ये 625 जो है ये इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है ये देखते हैं, इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, अगर ये नंबर छोटी है तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 24, लेकिन अगर ये नंबर बड़ी है, जैसे ये नंबर बड़ी हो गई, ये वाली नंबर बड़ी होगी इससे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 26, क्योंकि 676 इज ग्रेटर देन 625, क्योंकि ये नंबर जो है इससे बड़ी है इस वाली नंबर से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 26 है। और अगर ये नंबर से छोटी होती इस वाली नंबर से, तो इसका आंसर क्या होता 24। तो 676 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 26। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ये हमारा 3 डिजिट का था, एक और 4 डिजिट का क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 डिजिट के क्वेश्चन में कोई और नंबर ले लेंगे, जैसे कि ये होगी 5776। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी ना किसी नंबर का ये स्क्वायर होनी चाहिए, तभी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो हमेशा पॉइंट में निकलता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर हमारा ये हो गया 57। यहां चेक करिए 57 कहां पे देखिए, 57 ये 64 ज्यादा हो जाता है 57 से, तो क्या चलेगा इसमें, 7 चलेगा यहाँ पे, क्योंकि 77 जो होता है 49, तो यहां क्या लिखेंगे 7। और इसका एंड भी किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो यहां वही नंबर है 6 से एंड होने वाली, 2 नंबर हो गए, या तो 4 का स्क्वायर है या फिर 6 का स्क्वायर है, तो या तो 4 या 6, या तो 4 या 6। अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो 74 होगा या फिर 76 होगा, तो इनके बीच में 76 और 74 76 के बीच में क्या आती है, नंबर आती है 75, और 75 का स्क्वायर क्या होगा, 75 का स्क्वायर एंड में 25 आता है, और 7 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 8 से, 7 8 56। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे 5625, क्योंकि ये 75 का स्क्वायर है।
अब ये नंबर चेक करिए, ये नंबर इससे बड़ी है या छोटी है? ये वाली जो नंबर है हमारी वो इससे ग्रेटर है, बड़ी है, इसलिए क्या होगा, स्क्वायर रूट आएगा 5776 का, जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, वो होगा 76। समझ में आएगा क्यों होगा 76, क्योंकि ये वाली नंबर बड़ी है इस वाली नंबर से, इसलिए। और अगर ये नंबर होती छोटी इससे तो आंसर आता है इसका 74, तभी आंसर क्या होगा 76। तो ये बहुत ही क्विक मेथड है, बहुत ही जल्दी से करने वाले जो क्वेश्चंस हैं फटाफट हो जाते हैं जल्दी जल्दी। देखिए मैं समझाता हूं थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि किसी चीज को समझाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो उसमें बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।